हेलो दोस्तों, वाटेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर यानी एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एरिया पे क्वेश्चन आया हुआ था यानी मेंसुरेशन 2D पे, है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक बछड़े को 9 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। यदि इस रस्सी की लंबाई घटाकर 5 मीटर कर दी जाए तो बछड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। बछड़ा जो बंधा हुआ था पहले 9 मीटर की रस्सी में बंधा था, अब उसकी रस्सी घटाई जा रही है यानी 5 मीटर कर दी जा रही है, तो अब कितने एरिया वो कम चरेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब 9 मीटर रस्सी से बंधा था तो कितना वो घूम सकता है, एक सर्कल में घूम सकता है, यानी रेडियस कितना रहा, 9 मीटर। अब उसको क्या किया जा रहा है, रस्सी छोटी कर दी जा रही है यानी रेडियस क्या हो गया, 5 मीटर। पास समझ जा रही, ये कहा जा रहा है एरिया क्या हो जाएगा। रेडियस पहले क्या था, 9:5, रेशियो में अगर समझा जाए तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर ये है 9 यानी 9 का स्क्वायर पाई, ठीक है, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, यानी 81 पाई से अब कितना हो गया, 25 पाई। यही है क्या, कितना घट गया है, आप घटा कर देखिए कितना घटा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गए 5, यानी 56 पाई कम हो गया एरिया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पाई में नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पाई का मान रख दीजिए आप, पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 × 8 क्या हो जाएगा, 56, यानी 8×22 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 16, 8 × 16 = 117, यानी 176 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, डी, 176 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही, तो जो एरिया कम हुआ है चरने का बछड़े द्वारा, वो 56 पाई था जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो कितना हो गया, 176 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आया हुआ था, कोई टफ नहीं था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।